अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे पूरी पूरी आशा है कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आए हैं, मनोरंजन के लिए तो नहीं आए हैं, यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं। तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि हम सारी चीजें बोरिंग वे में करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इस टॉपिक को या फिर किसी भी टॉपिक को जितना आसान हो सकेगा उतना आसान बना के और उतना इंटरेस्टिंग बना के आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपका जोरदार स्वागत करता हूं एम विद राकेश यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्या क्या वो चीजें हैं जो सीखने वाले हैं वो आपके सामने मैं आप लेके आता हूं। देखो, एजेंडा आज की क्लास का जो हम सीखने वाले हैं वो एजेंडा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। रूपरेखा क्या है, आज पूरी क्लास में हम ये तीन चीजों पर मोटे मोटे तौर पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि पहली दो चीजें जो आपको नीले कलर में दिख रही हैं ये आपको सीधी सीधी पढ़ाई की बातें हैं। ये परसेंटेज की बात कर लेंगे, यहां पर हम ब्याज की बात कर लेंगे, साधारण ब्याज की, है ना। मैं आपको आज कुछ बहुत ज्यादा सिखाने तो नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर सिखाऊंगा कि सीखते कैसे हैं, या फिर अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बढ़ते हैं तो यहां से आपके पास वो कैसे दो रास्ते हैं जिनके जरिए आप अपने जीवन में या फिर अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़े से सकारात्मक बदलाव जरूर कर सकते हैं। तो उस सारी चीजों का डिस्कशन आज इस पूरे लेक्चर में हो जाएगा, अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो देखो, आज आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ छंद, इसके फ्यू कॉन्सेप्ट, पूरे तो नहीं क्योंकि एक क्लास में पूरा पढ़ाना उतना संभव भी नहीं है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसआई, ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके मन में उठ रहे कई सारे प्रश्न या फिर द्वंद्वों को कैसे शांत किया जाए, या फिर आपके पास वो कौन से कुछ अस्त्र हैं जिनके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीधी हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट से एजेंडा के, जो है परसेंटेज। अब मैं आपको सिंपल और देसी भाषा में यह बता दूंगा कि परसेंटेज होता क्या है। देखो दोस्त, आपके बचपन में आपने परीक्षाएं दी होंगी और आपको कई सारे नंबर भी मिले होंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो हम वही सिचुएशन को, वही स्थिति को दोबारा से लागू करते हैं और सोचते हैं कि आप एक कक्षा में बैठे थे और आपको एक टीचर आई और बोला कि आपके नंबर आए हैं 145 इंग्लिश में, बोला आपके आए हैं 200 मैथ में, क्या बात है, आप तो फुल आउट ऑफ फुल आ गए, है ना, 200 का प्रश्न पत्र था। फिर आपके आए 130 किसी तीसरे सब्जेक्ट में, ऐसे करते करते आपके चार सब्जेक्ट किसी बोल दिए, एक में 75 आए, है ना, 75। तो ऐसे करके आपके चार सब्जेक्ट आपके सामने बोल दिए गए कि आपके इतने इतने नंबर आए हैं। लेकिन क्या घर पे आप इन सारे नंबरों को बताते हो या फिर एक चीज बताते हो कि मेरे मोटे मोटे तौर पर इतनी परसेंट बनी है ना? आपके रिश्तेदार पूछते हैं, मान लो घर पे तो आप फिर भी बता दोगे, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार पूछते हैं तो वो आप उनको एक एक नंबर बताते हो क्या? नहीं, मूलतः हम क्या बताते हैं, परसेंट बताते हैं कि हमारी कितनी परसेंट है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। परसेंट का मतलब होता है कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें क्यों ना हो, अगर उनको 100 पे कंपेयर किया जाए, अगर 100 पे उसकी तुलना की जाए तो वो क्या होगा, वहां पर परसेंटेज छुपा हुआ होता है। यानी कि हम क्या करते थे आप बताओ, क्या करते थे, इन सब को हम जोड़ देते थे, यानी इनका सम करते थे, जोड़ करते थे, और समझना, इन सबको हम कैसे निकालते थे, सम निकालते थे, और किस में से ये आए हैं, है ना, लेट्स से ये सब 200 नंबर के क्वेश्चन प्रश्न पत्र थे, 200 का ये, 200 का ये, 200 का ये, तो हम करते थे 800 में से, यानी जितना भी ये सम आया ऊपर का वो 800 में से आया, लेकिन हम निकालते थे 100 में कितना आया है, 100 का गुणा दे के हम अपना परसेंटेज निकाल लेते थे। यही बात करते हैं ना, तो परसेंटेज आखिर यही है और कुछ नहीं है। आपके बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पर यानी प्रति, यानी हरेक सेंट, यानी 100 पे, यानी हर एक 100 पर उसकी वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, वो निकालना है। मैं अगर आपके सामने बोल देता हूं कि 33 नंबर है आपके पास, कोई नंबर है 33, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्रतिशत में वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 33 तो ठीक है, लेकिन किसमें 33 हर 100 पे कितना है, तो आप इस तरह से परसेंटेज निकालने की बात करोगे। यानी कि किसी भी नंबर की, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर की बात करेंगे, तो किसी भी चीज की, यानी किसी भी नंबर की तुलना अगर 100 से करते हैं तो वो परसेंट कहलाता है। क्या ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई? ये पास में जो ये काका खड़े हैं ये भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हाथ रख के कि भैया परसेंटेज कुछ नहीं होता है, प्रति 100 पर, एक डंडा एक जीरो एक जीरो, प्रति 100 पर उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब मैं सीधा आपको प्रश्न पे लेके जाता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ये कर लोगे, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमन लर्निंग पैटर्न, यानी कि कैसे मानव
असल में सोचता है ना, ये मान के चलो आप कैसे सोचोगे इसको, कैसे इमेजिन करोगे क्रिएटिव वे में, है ना, हम सारी की सारी चीजें कैसे देखेंगे इमेजिन करके। और इसी तरह से मैं अपने कोर्स में आपको ये सारी चीजें बताता हूं कि कैसे आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े प्रश्नों को धराशायी कर सकते हैं, ठीक है, धज्जियां उनकी उड़ा सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप यहां पर अच्छे से समझिए इस प्रश्न को अभी फिलहाल कि 25% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, कोई नंबर है हमें नहीं पता है, उसका 25%, उसका 25%, 25% ऐसे निकालते हैं आपको पता है, इज यानी है, क्या है, लेस है भैया, ठीक है, कितना लेस है, कितना लेस है, 19 लेस है, आप देखो 19 से कम है, है ना, लेकिन किससे, 650 के 18% से, यानी कि 650 के 18% से 19 कम है। ये मैंने क्या कर दिया, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, तो जिनको नहीं आया उनके लिए देखो ये इमेजिन करो, ये आपके पास सामने वो नंबर है, मैं क्या कह रहा हूं आपको अब यहां समझ में आ जाएगा, कोई नंबर था एक्स, हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या है, उसका अगर हम 25% निकालते हैं तो बढ़िया बात, हमने 25% निकाला और साइड में रख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास दूसरा नंबर है जिसका नाम है 650, उस 650 का उन्होंने बोला कि कितना परसेंट निकाल दो, 18% निकाल दो, तो हमने 18% निकाला, यहां पे रख दिया, 117 आ गया, ठीक है भाई। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इस नंबर का 25% और इस नंबर का 18%, ये दोनों सामने हैं, लेकिन ये जो 25% है ना, इस नंबर के 18% से 19 कम है, अगर यानी कि मैं इसमें 117 में 19 माइनस कर देता हूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 25% जो है 19 कम है, किससे 19 कम है, इसके 18% से। ये इमेजिनेशन की पावर होती है। आपने क्या देखा, आपने कुछ नहीं देखा, एक जगह देखा x कोई नंबर है उसका 25% निकाल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरा नंबर है 650 उसका 18% निकाल रहे हैं, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसका 25% और इस नंबर का 18% आपस में वैल्यू क्या है इनकी, तो बोलोगे कि इसका 25% जो है ना, ये जो 25% है ना, इसके 18% से 19 कम है, तो आपने 19 माइनस कर दिया, यानी कि अब आप सारी चीजें यहां पर समझ जाओगे कि अब आपको करना क्या है, बस अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25% किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, तो 25% परसेंट के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, बटे 100 करते हैं, किसका, x का, x लिख दिया, या फिर नंबर ले लो, कोई x नहीं लेना आपको, तो n मान लो इसको, n मान लो इसको, है ना, उस नंबर का 25% बराबर इस नंबर के 18% यानी 117 से 19 कम यानी 98, ठीक है, आज समझ में आ रही है मैं क्या बोला मैंने, ये 98 कैसे आ गया, 117 में से 19 माइनस कर दिया, 98 आ गया। अब आप वो नंबर निकाल सकते हैं कि वो नंबर क्या है, आप बोलोगे 98 में 100 का गुणा करें और बटे में 25 लिख दें, ठीक है, 25 चौके 100, और अब आप यहां से आसानी से वो नंबर निकाल सकते हैं, 9 चौक 36, 8 चौक 32, यानी कि वो नंबर है 392, ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों के ये कैसे हो जाते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, इन्हीं सारी चीजों को हम बहुत इलेबोरेट तरीके में करते हैं जब हम पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक से समझते हैं। तो किस तरह से हम इमेजिनेशन करके इन सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं, इस तरह से मैं आपको आज बताने आया हूं, ठीक है, और आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये टॉपिक, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। देखो इसको भी आप सोचिएगा, यदि किसी संख्या का 11% दिमाग में, जैसे ही बोला किसी संख्या का 11%, तो आपके दिमाग में वही डब्बे घूमने चाहिए कि कोई नंबर है उसका 11%, ठीक है, उसी नंबर के 7% से 18 अधिक है, यानी ये तो हो गई बात, यानी कि कोई नंबर था उसका हमने निकाला सबसे पहले 11%, ये आ गया, उसी नंबर का हमने निकाला कितना 7%, वो कुछ आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जो नंबर 11% आया है और ये जो 7% है ये कितना अधिक है, 11% वाला कितना अधिक है इससे, आप बोलोगे ये है 18 अधिक, यानी अगर मैं 18 जोड़ देता हूं तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 18 अधिक है, ये अधिक है ना, ये अधिक है यानी बराबर, कितना अधिक है, 18 अधिक है, किससे अधिक है, 7% से, कौन, 11% वाला, क्लियर है, वापस बढ़ाकर पीछे देख के आगे बढ़ा के जो भी है आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये YouTube पर है, YouTube पर आपको पूरी पूरी सुविधाएं आपको मिलती हैं कि आप स्पीड बढ़ा लें, स्पीड कम कर लें, आपकी जैसी सहूलियत हो वैसे कर लें, ठीक है। इसी चीज को देखो, मैंने एनिमेशन में आपको कैसे दिखाया, देखो
आप देखो जरा, कोई नंबर था एक्स, हमें नहीं मालूम, हमने उसका निकाला 11%, वहीं हमने दूसरी तरफ निकाला उसका 7%। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 11% है इस 7% से 8 ज्यादा है, देख लो जरा 18 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो ये नंबर निकालो। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया अगर आपने इमेजिनेशन कर लिया। कोई नंबर था एन, उसका आपने 11% निकाला, उसी नंबर का आपने 7% निकाला। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो 11 वाला है ये 7 से 18 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं 11 माइनस 7 करता हूं तो 18 आ जाता है, 11% माइनस 7% करता हूं तो 18 आ जाता है, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 4% बचेगा। किसका 4%? अरे भाई इसी नंबर का, तो इस नंबर का 4% 18 के बराबर है, यानी 1% कितने के बराबर होगा आप बोलोगे। अच्छा इसको ऐसे नहीं करना, तो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, 4% किसका, एक्स का, 18 के बराबर है। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है ये निकालना है। तो देखो आपको पता है 4% यानी परसेंट का 100 नीचे, एक्स बराबर 18, और आप यहां से कर रहे होंगे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 18 गुणा 100 बटे 4, और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, और ये हो गया आपका 450, यानी कि वो नंबर कुछ नहीं 450 है, यानी उस नंबर का 11%, उसी नंबर का 7%, दोनों का अंतर है 18। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं एक ना आपको ज्यादा समझा रहा हूं एकदम डीप में, ना ही आपको बहुत कम समझा रहा हूं, मैं आपको उतना समझा रहा हूं जितना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप बहुत डीप में और पूरा बेसिक से समझना चाहते हैं तो उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे इनकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप पहले ये समझिए, बाद की बातें हैं, आज जहां हो वहां करो। अभी ये सामने प्रश्न दिख रहा है, क्यों ना यहीं से कुछ सीखें, तो देखो सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ सिखाऊं, मैं ये चेक कर लेता हूं कि हम भाई रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हमारी बातें, या तो ऐसे ही हो रही होगी, बिल्कुल प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो रहा है जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये प्रश्न हमने कर लिया है, ये आपको मैंने इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छे से बता दिया है, आपको ऐसे ही इमेजिन करना है, आंख बंद करना है और कुछ क्वेश्चनों को ऐसे देखना है। अब देखो जरा ये क्वेश्चन देखो आप, अ मैन रिसीव्ड 15% इंक्रीज इन हिज सैलरी, एक व्यक्ति ने अपनी वेतन में 15% की वृद्धि प्राप्त करी, यानी उसको 15% इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अगर बढ़कर उसकी सैलरी, जो नई सैलरी है उसका नया वेतन है 1932 हो जाता है, तो ओरिजिनल सैलरी निकालो। कहना क्या चाह रहा हूं वो आप यहां से देखो, उस बंदे की, कोई व्यक्ति था, उसकी सैलरी जो थी, ये हमारे बढ़िया रामू काका, ये देखो इनकी सैलरी है 100%, अभी जितनी है वो 100% ही होगी ना, जो भी सैलरी है। आपने क्या बोला, इसी सैलरी का एक 15% निकाला, या फिर इसी सैलरी का ना बोले तो 15% इंक्रीज हो गया, तो बताओ किसका इंक्रीज हुआ होगा, 15% किस चीज का, यार अभी जो सैलरी मिल रही है उसका 15%, मान के चलो अभी उनको 100 रुपए मिल रहे थे तो 15% एक्स्ट्रा मिलने लगे, यानी 15% 100 का कितना होता है 15 मिलने लगे, है ना, तो 100 का 15 115% मिलने लगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये सही जो सारी बातें हैं मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं, ये अपने आप में 100% था, बाद में 15% बढ़ गया इनका, तो बढ़ के ये हो गया 1932, यही कहना चाह रहे हैं ना वो, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू है 115% किसकी, जो सैलरी थी उसकी 115% किसकी, सैलरी की 115%, यानी सैलरी का 115% बराबर है 1932 के। आपको निकालनी है सैलरी, यानी आपको निकालना है 100%, आपको सीधी सीधी बात दिख रही है, एस निकालना है यानी 100% निकालना है, वो होता है 1932, नीचे आएगा 115% था, यहां पे प्रतिशत था, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, और आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर होगा 1680। ठीक है, आपको आशा है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखो मेहनत और लगन, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसी तरह से मैं अभी बता रहा हूं कि मेहनत और लगन का साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको ये बात सब समझ में आ जाएंगी अगर आप थोड़ा सा एकाग्र होके और फोकस होके सारी चीजों को सुनते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और ये वाला प्रश्न मैं आपको आज सिखाता हूं कि कैसे इस तरह के प्रश्न जब आपके पेपर में आए तो आप कैसे सॉल्व करें। अब देखो जरा, ये व्यक्ति कोई नहीं, आप ही हो, मान लो एक स्टूडेंट हो, वो आप ही हो, उसको 23% मार्क्स मिले,
23% अंक प्राप्त करता है और फेल हो गया 15% से, यानी कि उसको 23% मिल गए लेकिन 23% में वो पास नहीं हुआ। अगर वो 15% और ले आता, 15 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, बहुत बढ़िया बात है। ये एक स्टूडेंट की बात हुई। एक आपका दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त को यानी अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले? इस भाई साहब को मिल गया 35%, लेकिन ये जो है 21 नंबर उत्तीर्ण नंबरों से ज्यादा लाता है, यानी जितने पासिंग मार्क्स होते हैं उससे 21 ज्यादा लेके आता है, उससे 21 ज्यादा लेके आता है, यानी कि इसके पास 21 नंबर ज्यादा है और आपके पास 15 नंबर कम है। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा हूं मैं आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको अगली स्लाइड पे एनिमेशन दिखाऊंगा। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं। आप इसको प्रश्न की तरह मत देखो, आप अपने क्लासरूम में चले जाओ जब आप बचपन में पढ़ते थे। आप इमेजिन करो आंख बंद करके कि कोई व्यक्ति है जिसको 23% नंबर मिल रहे हैं, 23% मार्क्स मिल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, इमेजिन करो कोई व्यक्ति है 23% मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन वो छोटा रह जाता, यानी चूक जाता है 15 नंबरों से। अगर 15 नंबर और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसको 35% मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन उसके पास 21 नंबर ज्यादा है, यानी कि पास तो हो गया साथ साथ में पास से ज्यादा भी ले आया, 21 नंबर ज्यादा भी लेके आ गया, है ना, 21 मार्क्स। तो इसी चीज का मैं एनिमेशन अब आपको आगे दिखाता हूं। ये लाइन देखो भैया, ये वो लाइन है जहां पर या तो किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं 0% मार्क्स या फिर उस व्यक्ति को मिलते हैं 100% मार्क्स। यही होता है ना, 0% पे फेल, 100% पे एकदम परफेक्ट पास, और कहीं ना कहीं बीच में वो ऐसी जगह होती है जहां पर भाई क्या होता है, जहां पर पासिंग मार्क्स होते हैं या फिर पासिंग प्रतिशत होता है, पासिंग परसेंटेज होता है। कहते थे ना कि 33% ले आओ तो पास हो जाएंगे, तो ये पास प्रतिशत है आपका। यहां पर अगर आप इस झंडे तक पहुंच गए तो आप पास हो जाओगे। लेकिन भैया कोई व्यक्ति है वो क्या लाता है, आपने देखा 23% लाता है और 15 से फेल हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जो है इस झंडे से पीछे रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो ऐसे आगे बढ़ा और यहां तक ही आ पाया। वो एक व्यक्ति जो है वो यहां तक ही आ पाया, यहां से उसकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। ये जो प्यारा व्यक्ति आपको दिख रहा है ये 23% नंबर ले आया बस, लेकिन चूक गया कितने नंबरों से? आप बोलोगे ये चूक गया कितने नंबरों से, चूक गया, बोलो जल्दी से, ये चूक गया है हमारे, मैं कलर चेंज करता हूं, ये चूक गया है यहां से 15 नंबर, 15 और ले आता तो पास हो जाता, बहुत बढ़िया। अब दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो लेके आऊंगा 35% नंबर, यानी एक व्यक्ति यहां से बढ़ा, जीरो से बढ़ता पासिंग नंबर को पार करते हुए 35% पे पहुंच जाता है, यानी कि वो पहुंच गया 35%, उस व्यक्ति के नंबर आ गए 35%। तो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उसके कितने नंबर ज्यादा आए हैं, कितने नंबर ज्यादा आए हैं? आप बोलोगे, दो सेकंड कलर चेंज करते हैं, उसके नंबर ज्यादा आए हैं कितने, 21 नंबर ज्यादा। तो अब हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति के कितने नंबर ज्यादा आ गए हैं पास से, 21 नंबर ज्यादा आ गए हैं। तो आपसे बोला है कि ये निकालो, पासिंग परसेंट निकालो। क्या बोला है आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बोला है आपको, सारी बातें क्या समझ में आ गई हैं? मैंने सिंपल सा ये बोला है कि कोई व्यक्ति था वो 23% लेके आया और 15 से चूक गया, कोई व्यक्ति था 35% लेके आया लेकिन उसके पास 21 ज्यादा आ गए। तो आप ये वाला नंबर निकालो जो पासिंग परसेंटेज है। क्या आपने इस इमेजिनेशन जो मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश करी है, समझ में आ रहा है इस चीज को, आपके दिमाग में बैठ रही है? हाँ जी, अगर बैठ रही है तो इसी चीज पे क्लिक करके बैठे रहना है और सोचना है कि क्या होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये 23% है, ये 35% है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर चला जाए तो कितने प्रतिशत का फासला है? आप बोलोगे इसके बीच में, यानी ए के बीच में और बी के बीच में कितने प्रतिशत का फासला है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फासला है वो 35 में से 23, यानी 23 से आप आगे बढ़ोगे 24, 25, 26, ऐसे कितने कदम आप आगे बढ़ जाओगे, तो 12 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक का सफर 12% का है, बहुत बढ़िया। प्रतिशत में 12% हो गया लेकिन नंबरों में कितना है? तो आप बोलोगे 15 कदम ये है और 21 कदम ये है, तो कितने हो गए, 21, 5, 26, 10, 36, यानी कि ये पूरे 36 कदम है, यहां से यहां तक 36 कदम है नंबर्स में, यानी कि ये बात तो हो गई आसान। जो 12% है वो 36% के बराबर है, सीधी बात, जो 12% है वो कितने के बराबर है, 36% के बराबर है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो
12% यहां कर देता हूं, जो 12% है उसकी वैल्यू 36 है बस। क्या आपको ये बात समझने में ज्यादा टाइम लगा? क्या नहीं लगा? आप बहुत आसानी से इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। जब 12% 36 है तो 100% कितना होगा आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे 1% है 12 × 36 तीन के बराबर होगा, तो 100% यानी 20 यहां चिपकाई तो 20 यहां चिपका दो तो ये 300 के बराबर हो गया, यानी कि ये जो है वो 300 है। मैक्सिमम मार्क्स 300 ला सकता है वो, मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकता है 300। अब यहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो अगर आपसे बोले कि पासिंग परसेंटेज निकालो तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, 23% निकाल के 15 जोड़ दो, तो यहां पे इस झंडे पे कैसे पहुंच सकते हो आप? आप बोलोगे इस झंडे पे मैं दो जगह से पहुंच सकता हूं, कहां से? या तो मैं 23 से आगे बढ़ता जाऊं, 23% निकाल के 15 उसमें जोड़ दूं तो हो जाएगा, या फिर मैं 35% निकाल के 21 माइनस कर दूं तो पहुंच जाऊंगा। आप जो करना चाहते हैं वो कर दो, क्योंकि ऐड करना आसान होता है। तो हम यहां से बढ़ेंगे, इस ए से बढ़ेंगे। सबसे पहले इस 300 का पासिंग परसेंटेज निकालना है ना, तो 300 का 23% निकाल दो, ठीक है भैया। 23% निकाल के क्या करना है, 15 ऐड कर देना है। अगर आप 15 इसमें ऐड कर देते हो तो आपके पास पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। अब ये खेल यहां है कि आप 23% कैसे निकालते हैं, 23% कैसे निकालते हैं। या तो आपके पास तरीका है, क्या तरीका है, 300 यहां पे देख लीजिए इस कॉर्नर में 300, 23/100 करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 23 × 3, 3 × 9 = 69 + 15 जो कि होगा आपका 84। अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप पूछे कि ए कितना लाया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 84 में 15 माइनस कर दो तो आप इस वाले पे आ जाओगे, 84 में 21 जोड़ दो तो इस बी वाले पे आ जाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूं, मैंने क्या बोला, कोई व्यक्ति था 23% लाया, 15 से कम हो गया, कोई व्यक्ति था 35%, उसके पास 21 ज्यादा है, तो टोटल यहां से अगर 15 से बढ़े तो 21 तक बढ़ते बढ़ते, यानी 15 कदम ये, यहां से लेके इस झंडे तक की दूरी 15 है, है ना, यहां से यहां तक झंडे की दूरी 15 और यहां से यहां तक की दूरी 21 है, यानी टोटल कदम 21, प्रतिशत में 12 को दर्शाते हैं, तो 12% 36, तो 100% 300। फिर आप इसके जरिए कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको कुछ बताया कि कैसे हम परसेंटेज में डील करेंगे, और ऐसे ही मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहां पे दिए हैं, ऐसे ही हमारे बहुत भरमार पड़ी है इन कॉन्सेप्ट्स की कि कैसे इनको सीखा जाए, बस जरूरत है एक अच्छी तरह से सीखने की, और वो मैं आपको पूरी तरह से सिखा के रहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मैंने परसेंटेज की बात कर ली, अब एजेंडे का दूसरा पॉइंट, अब हम SI की बात करते हैं कि कैसे हम SI में आगे बढ़ते हैं। SI होता क्या है? SI कुछ नहीं है, प्रतिशत का ही एक पार्ट होता है। अब हम ये देख लेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, ठीक है, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्याज कुछ नहीं, पैसे इस्तेमाल करने की फीस है, ठीक है। बिना बकवास करते हुए, यहां वहां की बातें करते हुए, हम बातें कर रहे हैं सीधी सीधी पढ़ाई की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलो ये है ना, अगर कोई व्यक्ति है, ये आप हो, और आपने ये पैसे किसी को उधार दे दिए, अब वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इन पैसों को यूज करेगा। अब यूज करने के आप इससे क्या लोगे, फीस लोगे, कुछ फीस आप जोड़ के अगली बार देना है तो इतनी दे दोगे, तो कुछ सालों में ये इतना हो जाएगा, फिर आप इसको यूज करोगे, कुछ पैसे बढ़ा के आप फिर दे दोगे वापस, तो ये हो जाएगा, फिर यूज करके कुछ फीस आप ऐड करके, फीस ऐड करके यहां दे दोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, यानी कि ये बढ़ता रहता है इस तरह से, देख लीजिए भैया बहुत ध्यान से, ये ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है, यूं कुछ फीस ऐड होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो कुछ ना कुछ फीस आपको देनी पड़ रही है, यानी कि यूज करने की फीस। किस चीज को यूज करने की, भैया पैसे यूज करने की, कोई आपके पैसे यूज करेगा तो वो फीस देगा आपको, किराया देगा उस चीज का, तो वही चीज है ये। अब हम सीधा सीधा देखते हैं कि कैसे SI के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम टैकल करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना, आपने ये फॉर्मूला बड़ा ध्यान से और कभी बहुत बहुत बार सुना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है P × R × T/100। यहां पर पी क्या है, मूलधन है जो आप देते हैं, आर क्या है, ये रेट है यानी दर प्रतिशत है, और टी क्या है, उस समय है जिस समय अवधि के लिए आपने अपने पैसों को सामने वाले को उधार दिया है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं और आंसर इन सारी चीजों के निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, पहला आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने पूरा का पूरा पूरी की पूरी टेबल रख दी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। क्या प्रैक्टिस कर सकें आप, वो देखिए। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने मूलधन दिया है 1650 किसी को, पहला वाला दिखा रहा हूं ना, और कितने परसेंट पे दिया है, 8% पे। तो आप इस बात को इमेजिन करिए कि आपने 1650 किसी को दे दिए और कितने समय के लिए दे दिए, 5 साल के लिए। यानी कि यहां पे 1, 2 ऐसे 3, 4 और लास्ट में देखो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ और एक लास्ट साल 5 साल। यानी कितने डब्बे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। यानी 5 बार आप 8-8% लगा दोगे। यानी आप यहां पे 8% लगाओगे, 8% लगा के ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर यहां पर 8% लगाओगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। यानी आप 5 साल 8-8% लगाओगे, यानी हर साल 8 लगा के 5 साल तक आप 8×5=40% उस पर फीस लेने वाले हो। यानी कि जितनी भी ये चीज है, ये जो चीज है, ये अपने आप में 100% है। कितनी परसेंट है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, पूर्ण होती है। उस पर आप कितनी फीस ले रहे हो, 40% फीस ले रहे हो। यानी कि अगर आपने 100 रुपए दिए तो आप उस पर 40% फीस लगा के 140 रुपए पूरे वसूल लोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1650 का आपको क्या निकालना है, 40% निकालना है। किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए। अगर आप ब्याज निकालना चाहते हो तो 1650 का कितना प्रतिशत निकाल दो, 40% निकाल दो। और 40% निकाल के जो भी ब्याज आएगा, आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, 1650 × 40/100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए। अब कितना बचा, ये बचा 5×4=20, 6×24=25, 4×1=4, 5×6=660 रुपए। यानी कि आप फीस कितनी लेने वाले हो, 660 रुपए। यानी कि 1650 तो आपने दिए प्लस आपने फीस ले ली 660, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वापस, मिश्र धन वापस मिलेगा, इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, आपको जो मिश्र धन वापस मिलेगा, अमाउंट वापस मिलेगा, वो मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, 2310 रुपए। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ऐसे आप निकाल सकते हैं क्या सारी चीजों को, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि आपने यहां पर 40% निकाला, यानी कि ये वही क्वेश्चन आ गया कि 100% तो था, 40% ऐड हो गया, तो जो आपको मिश्र धन निकलेगा वो होगा 140%। तो आप डायरेक्ट 1650 का 140 भी निकाल सकते थे। जब हम इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं तो कैसे देखते ही आप समझ सकते हो कि 140 निकालना है, वो हम पूरी चीजें डिस्कशन करते हैं। चूंकि हम यहां पर एक पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि सीखते कैसे हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सीखना कैसे है। कहीं से भी आप सीखें, लेकिन सीखने का तरीका ये होना चाहिए। तभी देखो, तरीके बहुत है, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा आपको जो आपके लिए बड़ा कारगर है और बड़ा आसान है, है ना। ऐसे तो बहुत सारे आसान तरीके होते हैं, लेकिन वो हमें आसान तो लगने चाहिए ना। मैंने पहले ही कह दिया है कि जो माथे में टिक जाए, एक ऐसा आसान तरीका जो आपके माथे में टिक ही नहीं रहा है, वो आपके लिए कोई काम का नहीं। भले उससे थोड़ा सा एक टफ तरीका है, लेकिन वो आपको समझ में आ गया तो वो वही आपके लिए मैथमेटिक्स है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको बताता हूं मैं, वो आप पूरे कर लीजिए ना, जितने भी ये मैंने कराए हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, आप एक एक करके सारी चीजें कर लीजिए ना। मैं अब आपको ये दूसरा प्रश्न इसका एसआई का बताने जा रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कौन सा मूलधन 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 60 रुपए का उत्पादन करेगा, कितने साल में, 5 साल में। लैंग्वेज है, घबराओ मत। वो क्या कह रहा है कि कितना प्रिंसिपल, यानी आपने कितना पैसा दिया, वो कुल मिला के ये कह रहा है कि आप कितने पैसे सामने वाले को दो, दो कितने प्रतिशत पे, 6% पे। यानी आप जो रेट लगाओगे, आप जो फीस लगाओगे, वो हर साल 6% लगाओगे। कितने सालों तक, आप बोलोगे 5 सालों तक लगाएंगे भैया। ठीक है, यानी कि आपने यहां से एक बात तो ये तय बात सीख ली कि 6% 5 साल तक लगाएंगे, यानी टोटल फीस हम लेने वाले हैं कितनी, 30%। यानी अगर आप किसी को कुछ पैसे देते हो, तो उस पर आप 30% फीस वसूल लोगे। कितनी फीस वसूल लोगे, 30%। और किस बात की वसूलोगे भाई, इस बात की कि तूने मेरे पैसे यूज करे। ठीक है, उस व्यक्ति ने मेरे पैसे यूज करे हैं, तो उससे मैं जितना मूलधन है वो 100% तो लूंगा ही लूंगा, साथ में 30% एक्स्ट्रा लूंगा। पास,
ये सिंपल सी बात है। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको सीधा करना है कि कितना प्रिंसिपल है, कोई वो कितना नंबर है, कि अगर उसमें 30% फीस लेते हैं, अगर हम उसकी 30% फीस लेते हैं, यानी ये पूरा कोई भी नंबर है, और इसका अगर हम 30% निकालते हैं तो वो 60 आ जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो आप देखोगे 30 दूनी 60, और ये 2 जाएगा 100 के पास, 2 के पास 100 जाएगा 2 के पास में, तो ये दे देगा 200। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। SI बराबर, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन दे रखा है प्रश्न में 60, ठीक है, पी तो निकालना है, सॉरी मूलधन नहीं, ब्याज दे रखा है 60, पी यानी मूलधन निकालना है, आर दे रखा है 6, टी दे रखा है 5 बटा 100। अब आप इसको सारी चीजों को दोबारा सॉल्व करके देख लेना, आपको 200 ही मिलने वाला है। तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलते हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये इमेजिन करने की कोशिश करवा रहा हूं कि 6% अगर कोई चीज है तो वो 5 साल में 30% हो जाएगी, यानी कि जो 60 है ये किसी भी चीज का 30% के बराबर है, यानी कि कोई भी नंबर था x, उसका 30% निकालेंगे तो वो 60 आएगा। बस, तो वो नंबर निकाल दो आप कितना है, बस यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये देखो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि कैसे वो 5-5% हर साल बढ़ रहा है। एक साल 5 लगेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवे, छठवे, ये 6 साल तक 5-5% लगा के वो टोटल ब्याज लेने वाला है 30, और ये था अपने आप में 100%। समझ पा रहे हो? तो 100% पे वो 30% ब्याज ले रहा है। तो कल को कोई आपसे पूछे कि उसको मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट कितना वसूलना है, तो आप बोलोगे जितना भी पैसा दिया है उसका 130% हम वसूलेंगे। यानी ये हो गया हमारा SI, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, SI का मतलब होता है ब्याज और अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है, जो आपको लास्ट में मिला। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो भी आपने मूलधन दिया है उसमें अगर आप ब्याज जोड़ देते हैं तो आपका मूलधन यानी जो आपको चुकते होंगे जो पैसे, वो मिश्रधन आपको निकल के सामने आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है ना? बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन बस उनको समझने की देर है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से और प्यारे तरीके से समझ लेते हैं इमेजिनेशन करके, तो आपके दिमाग से ये कभी नहीं हटने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो अब ये प्रश्न है, ये आप खुद करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कैसे करना है, वो आप जानते हैं कैसे करना है ना, वो आप अभी जस्ट करा के आया हूं, सेम है। 10% पे ब्याज दिया है, ब्याज ले रहे हैं, 5 साल तक ले रहे हैं, यानी 50% लेंगे, और जो भी पूछा है अमाउंट पूछा है, यानी कि 150% की वैल्यू पूछी है, आप निकाल लेना। ठीक है, आप सीधा सीधा निकाल लेना, अमाउंट निकालने को बोला है। यानी कि यहां से दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। क्या चीजें समझ में आ गई हैं, कि अगर आपको SI निकालना है, देखो क्या निकालना है आपको, अगर आपको SI निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। और अगर आपको अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालना है तो आप प्रिंसिपल प्लस जो भी SI आया है उसको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला ही सीखना है तो वो ये दो फॉर्मूले हैं जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गो अहेड। हमारे पास यहां से कौन से वो दो रास्ते हैं जो हम अपना सकते हैं। देखो दोस्त, बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझना। अब मैं जो बातें कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई की बातें यहां तक कंप्लीट हो गई हैं। अगर अब आपके मन में प्रश्न है कि हम आगे कैसे बढ़े, ये कुछ टॉपिक जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ाया, थोड़ा सा SI पढ़ाया, क्या इतना ही काफी है? इनको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है ना। आपको हो सकता है समझ में आया हो सकता है नहीं आया हो, इन दोनों ही केस में अब आप क्या कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए मेरी बात समझिएगा, जिस जिसको समझ में आ जाता है बहुत आसानी से आ जाता है, तो अब आपको आगे क्या करना है, और जिस जिसको नहीं आया है उसको क्या करना है, ये दोनों मैं बताता हूं। यहां से आपके अब दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है, यहां से आपके दो रास्ते निकलते हैं। क्या वो दो रास्ते हैं? एक तो आप ये करें कि आपके पास आपको आता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करो दोस्त, बुक लेके आओ और उसमें से क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और आराम से आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको सारी चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलेंगे? अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कहीं भी मिल सकते हैं,
ठीक है, कहीं भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आप YouTube पर सर्च करो, भरमार है, आप जहां जाओ वहां मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको हर जगह जाकर वो कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है? जी नहीं। ठीक है, इसके लिए हमने आपकी क्या सहायता करी है? मैंने पूरा का पूरा कोर्स बना के आपको दे दिया है। ठीक है, वो पूरा का पूरा कोर्स आपको बना के आपको दे दिया है, आप इसमें से वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए शीट्स दी हैं, वहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस जो हो जाएगी तो आप कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ सुपर टेट, यूपी सुपर टेट ही नहीं, जूनियर सुपर टेट ही नहीं, आप कई सारे एग्जाम भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं देखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ये चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपकी नॉलेज जो है, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है वो इस तरह से है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को इस तरह से बिखरा के रखते हैं तो ये आपकी नॉलेज है जो यहां वहां भरी हुई है। लेकिन हमारा आपके प्रति क्या कर्तव्य है कि उसी नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ला देना, या फिर किसी किसी को ये नॉलेज भी नहीं है तो उसको नॉलेज देके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी चीजें दे देना। देखो भाई, मैं कोई यहाँ पे चीजें बेचने नहीं आया हूँ, है ना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं कोई भी चीजें यहाँ पे बेचने की बात नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक सामने जो भी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको जो करना है वो आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, बतेरी वीडियोस डली हैं, लोगों ने बना बना के डाल दी हैं, आप वहां से सीख सकते हैं अगर आपके अंदर है। लेकिन वो नॉलेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप कहीं कहीं वो इधर कभी उधर कभी उधर स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को एक किसी भी कोर्स से, ये नहीं कि हमारा ही कोर्स, आप जहां से लेना चाहें वहां से लेते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजें मिल जाती हैं, यानी कि एक ढांचागत तरीके से आपको एक एक चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आज मैंने आपको देखो ऐसा ही परसेंटेज बताया, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो टाइप वाइज आपको सीखना चाहिए। मैंने आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस कराई है क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं आया था, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, ये एसआई है, ये टाइम समय दूरी समय वाला चैप्टर है, समय दूरी चाल है ना, ये कार्य वाला चैप्टर है। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री ज्योमेट्री है ना, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे चैप्टर हैं जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके सामने अगर हैं तो आप उनका बहुत भरपूर उपयोग कर सकते हैं, और आप यहां से आप अपने एग्जाम का रास्ता तय कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, आपकी नॉलेज या तो स्कैटर्ड है तो एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और अगर आपकी नॉलेज स्ट्रक्चर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स की बात कर रहा हूं, कहीं से भी अगर आपने खुद की नॉलेज को भी स्ट्रक्चर्ड कर रखा है तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जरूरत है आपको अपनी नॉलेज को स्ट्रक्चर प्रदान करने की। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो कोर्स परचेज करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो सीख जाते हैं एक बार तो हम उनको अप्लाई करने लगते हैं, है ना। और अगर आपकी नॉलेज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में है, आपको सारी चीजें आती हैं, तो आंख बंद करो, वीडियो को बंद करो, एक बुक उठाओ और वहां से प्रैक्टिस करो, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक किताब उठा के प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की जो जर्नी होती है, ये जो यात्रा होती है, ये करने में बड़ी पेनफुल होती है ना। मैं आपको कोर्स दे दूंगा लेकिन आप उसको करने में भी टालम टोल करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका मन सीखने को जागृत ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा अपने कर्म पर फोकस करना है, बड़े ध्यान से और एकाग्रचित से सारी चीजों को सुनते जाना है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक ये कहीं से पढ़ा था, और ये कहीं एक वेद में लिखा हुआ है, आप जो पढ़ते हैं ना, राकेश सर ने आपको पढ़ाए होंगे वेद, उसमें उसमें अथर्ववेद है, वहां पर यह बात लिखी गई है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपके दाहिने हाथ में कर्म है तो विजय जय यानी विजय आपके बाएं हाथ में भी आ जाएगी। बाएं हाथ का खेल है, इट्स योर लेफ्ट हैंड गेम। ठीक है, अगर आपके आपके दाहिने हाथ में कर्म है तो लेफ्ट हैंड में आपकी विजय जरूर आ ही जाएगी। यानी इतनी इतनी हल्की है वो विजय, इतनी छोटी चीज है कि आप वो उसको उल्टे हाथ से भी उठा सकते हो ना, या सिंबॉलिक है ये, ऐसा नहीं कि आप उठा लोगे किसी चीज को। अगर आप कर्म पर विश्वास रखते हो तो विजय जरूर होनी है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप उन सारी चीजों को
देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा जो है एम कृति बाय एम विद राकेश। आप इसको ओपन करिए, इंस्टॉल करिए सबसे पहले, है ना। इंस्टॉल मैंने अनइंस्टॉल करके रख रखा था पहले से, तो आपको ये फोटो बता दिया है। ओपन करिए, आपको ओपन करते से ही बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप वहां पर जा सकते हैं। साथ साथ और अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब आपको क्या करना है वो आपके सामने है। मैं आपको कोई चीजों की बाध्यता नहीं दे रहा हूँ, कोई चीज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जैसा आपको समझ में आए वैसा करिए, लेकिन ऐसा करिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो, आपको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके जाए और आपका रास्ता इतना साफ कर दे कि आपको मंजिल क्लियर दिखने लगे। ठीक है, तो मेरा बस यहीं तक मकसद आपको समझाने का था। आशा करता हूं आज के पूरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें समझाई, जो मैंने आपको समझाई वो आपके सामने थी। मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी थी, जैसे कि ये मैंने आपको ये तीनों चीजों का डिस्कशन आराम से कर दिया है, परसेंटेज बता दिया, एसआई बता दिया, और यहां से कौन से वो दो रास्ते हैं जिन पे आप चल के आप परीक्षा को पार कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।